सुपौल के पिपरा थाने से खबर आपको बता दें, शुक्रवार को देर रात एक सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें दो युवक घायल हुए थे। उसमें से एक नई अपडेट सामने आई है जिसमें एक युवक ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें, पिपरा थाना क्षेत्र के कमलपुर पुल समीप बीती रात एक बाइक और ई रिक्शे में टक्कर हो गई थी, जिसके बाद दोनों युवक बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। इलाज के लिए CHC पिपरा लाया गया था, जहां इलाज के बाद सद्दाम को रेफर कर दिया गया था। इसके बाद मोहम्मद सद्दाम खान को सदर अस्पताल सुपौल लाया गया। स्थिति नाजुक थी, इसको देखते हुए सूर्या हॉस्पिटल सहरसा भेज दिया गया, जहां इलाज के दौरान शनिवार को उसकी मृत्यु हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार वालों में मातम छा गया और परिजनों ने कहा कि मोहम्मद सद्दाम और नूरुल शुक्रवार रात पिपरा बाजार से अपने घर किशनपुर प्रखंड के तुलापट्टी पंचायत वार्ड नंबर 5 आ रहे थे। इसी दरमियान पिपरा NH 106 कमलपुर पुल के समीप ई रिक्शा से टक्कर हो गई थी, घायल हो गए थे। अस्पताल में भर्ती कराया गया था, हालत नाजुक होने पर उनको रेफर किया गया था, जिसमें से एक युवक ने आज दम तोड़ दिया। संवाददाता दिलदार खान। आपके गाँव में मौत की घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? जी, कल शाम का मामला है। कल जो मतलब शाम में ये पिपरा गए थे मार्केटिंग करने के लिए, मार्केटिंग के दौरान ये आ रहे थे वापस, तो कमलपुर के पास जो है ई रिक्शा वाला और बुलेट में दोनों में टक्कर हुआ। जो ये बेचारे दो आदमी थे, एक आदमी को चोट लगा है, वो तो अभी फिलहाल ठीक है। अच्छा, ये लोग जो आ रहे थे क्या, कौन सी गाड़ी से आ रहे थे लोग? ये बुलेट से आ रहे थे जी, और एक्सीडेंट हुआ है बुलेट में और ई रिक्शा में। ई रिक्शा जो है बीच रोड पे हुए का एक काट मतलब मोड़ जो दिया, ये आ रहे थे नज़दीक में ही मोड़ दिए थे वो, इसीलिए टक्कर होने के कारण उनकी मौत हो गई है। मौत होने के कारण आज देख रहे हैं आपके सामने है, जो अभी लाश आई हुई है। घटना कब 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 की यह घटना है? ये कल शाम 5 बजे की घटना है। तो उसके बाद जब घटना जब हुई थी, इसको कहाँ भेजा गया था, कौन से हॉस्पिटल? ये पिपरा गया था, पिपरा हॉस्पिटल में दिखाए, उसके बाद सदर हॉस्पिटल सुपौल दिखाए, उसके बाद सूर्या हॉस्पिटल गए, वहाँ से रेफर सूर्या हॉस्पिटल सहरसा कर दिया जी। वहाँ पे उसकी इलाज के दौरान मौत हुई जी। जी, आज हुई है मौत जी, आज सुबह में मतलब मॉर्निंग में मौत हुई। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद महबूब आलम। आपके गाँव में घटना हुई है, मौत की घटना हुई है, क्या पूरा मामला? कल शाम में बाजार गए थे कुछ सामान के लिए, वहाँ गाड़ी से जा रहे थे, वहाँ एक्सीडेंट हो गए। एक्सीडेंट होने के बाद क्या कहते हैं, जो उनको क्या कहते हैं, लोकल अस्पताल ले गए, वहाँ के बाद रिफ़र किया सदर अस्पताल के बाद वहाँ से भी रिफ़र कर दिया, वहाँ सूर्या हॉस्पिटल, वहाँ जाने के बाद वहाँ इलाज के दौरान वहाँ मौत हो गई थी। आप लोग इसका डेड बॉडी का जो है पोस्टमार्टम नहीं करवाए हैं? जी, पोस्टमार्टम हुए हैं। पोस्टमार्टम हुआ है? पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तो आप लोग प्रशासन से इसका क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इनको क्या कहते हैं, न्याय मिले, और इनको 5 बच्चे हैं और इनकी बीवी है, क्योंकि आगे इनको कोई और साथ नहीं है, मतलब कोई इसके पास ही नहीं है जो अपना कोई व्यवस्था करके खाएं। और प्रशासन से हम यही मांग करेंगे और सरकार से यही मांग करेंगे, जो इनके बच्चे के लिए, भविष्य के लिए कुछ सोचे और इनके परिवार को अपने। जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुई थी, वो गाड़ी मौजूद है, वो कैप्चर में है पुलिस प्रशासन के कैप्चर में। उसकी जानकारी मिली है कहाँ की गाड़ी थी? जी, गाड़ी तो यहीं की है ना, मतलब जो सदाम भाई गाड़ी ड्राइवर है, तो उन्हीं की गाड़ी। बाइक पे जो आ रहे थे लोग, कितने सवार थे? दो सवार। कौन कौन थे उसमें? एक वो जिनका मौत हुआ वो थे, और एक और लड़का था, सद्दाम नाम थे, और जो दूसरा था नूरुल नाम थे। उनका क्या स्थिति है? वो अभी फिलहाल ठीक है। इसका घर कहाँ पड़ रहा है? इसका घर तुलापट्टी पंचायत वार्ड नंबर 5 में है, बादरा का परसा पड़ता है इसका। आपका परिचय? मेरा परिचय मोहम्मद शमसुद्दीन, तुलापट्टी पंचायत वार्ड नंबर 5 के वार्ड सदस्य है हम। मौत की घटना हुई है, क्या पूरा मामला? जी, मौत की घटना हुई है, मामला क्या है पूरा? मामला एक्सीडेंट का था, एक्सीडेंट में हो गया। आवाज में बोलिए। था एक्सीडेंट का था, एक्सीडेंट में हुआ था। कब हुआ था? कल शाम 5 बजे। कैसे हुआ था? वो बाइक से आ रहे थे इधर पिपरा बाजार से आगे करणपुर चौक पे हुआ घटना। करणपुर चौक पे? कमलपुर चौक पे। बाइक और क्या थी? बाइक से और हवाबाई थे, हवाबाई में टक्कर मारा। ई रिक्शा में कितने आदमी सवार थे बाइक पे? एक ही आदमी थे। मृत्यु किसकी हुई है? मेरा जीजा का। क्या नाम है उसका? मोहम्मद सद्दाम। कब की घटना ये? कल शाम की। इसकी मृत्यु जो हुई कहाँ हुई है? इलाज के दौरान हुई है? इलाज के कहाँ पे हुई थी? सहरसा। सहरसा कौन से हॉस्पिटल में? सूर्या हॉस्पिटल। अच्छा, इनको कितने बच्चे हैं? इनके पांच, चार लड़का एक लड़की। बच्चे का नाम? बच्चे का नाम लड़का का हो गया तैमो, अयान, रेहान, और उसके बाद आर्यन, आरसू, और लड़की का नाम है हानिया। इनके वाइफ का नाम? इनकी वाइफ का नाम नसीमा परवीन। दूसरा जो घायल था उसका क्या स्थिति है? वो अभी ठीक है।